हेलो गाइस, सभी का स्वागत है हमारे और एक नए एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट की दुनिया में। तो पिछले दिन में आपने देखा, मैं नज़र में गया था, वहाँ पर बहुत एक्सप्लोरेशन किया था और मुझे चेस्ट वगैरह मिला था। और आज का मेरा जो प्लान है वो है कि मैं अपना डायमंड आर्मर बनाऊंगा और वो एंचेंट करूँगा। पहले मैं एक्चुअली ट्विल बनाऊँगा, उसके बाद सभी करूँगा। और देख सकते हैं मैं थोड़ा बहुत चेंजेस किया, जैसे मैं स्टेज लगाया और ज़्यादा कुछ नहीं किया। और मेरा आज यही प्लान है। तो वीडियो को पहले से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज के वीडियो बताने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना गाइस। तो और एक बार मैं बता सकता हूँ कि आज मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा लैग कर रहा है, इसलिए थोड़ा माफ़ कर दो। और आप देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पर एक हॉर्स लाया हूँ, देख सकते हैं। और ये हॉर्स में टेम कर लिया, अब उसके ऊपर सैडल भी मैंने लगा दिया है, तो ठीक है ना गाइस। तो और एक गाइस आप वीडियो को लाइक कर दो, आज का लाइक टारगेट है 7। Let's get the party started. तो अगर सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एंचेंटमेंट टेबल, और चलो देखते हैं एंचेंटमेंट टेबल को क्या चाहिए। और इसके लिए चाहिए 4 ऑब्सीडियन, 2 डायमंड और 1 बुक। तो ऑब्सीडियन तो मेरे पास है, डायमंड भी है मेरे पास, लेकिन बुक नहीं है। और मैंने शुगर केन बाहर उगाया है, अगर आपने देखा तो अच्छा होगा। तो बुक बनाने के लिए चलो मैं सब लेके आता हूँ, ठीक है ना गाइस। 1 hour later चलो गाइस बनाते हैं। तो पहले हम रखेंगे यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर 1, और यहाँ पर 4 ऑब्सीडियन, और उसके बाजू रहेंगे 1 डायमंड और 1 डायमंड, और इसके ऊपर रहेंगे हमारा बुक जो यहाँ है, और बन जाएगा हमारा इंस्ट्रूमेंट टेबल। और गाइस और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपना अकाउंट जो था वो चेंज किया, तो मतलब जो माइनक्राफ्ट का जो फ्री लॉन्चर है उस मैं कोई अकाउंट नहीं था, और मैं अभी अकाउंट फ्री लॉन्चर पर लॉगिन करके लिया हूँ, और इसीलिए मेरा जो एडवांस वर्क है ना वो भाई तो चेंज हो गया, सभी एडवांस में चेंज हो गया था, और इसीलिए मेरा जो एडवांस में पहले हो गया था वो सब उड़ गया। तो गाइस उसकी फिक्र आप मत करो, ठीक है ना। तो मैं ये इसे इंटरव्यू टेबल को इसके बाजू यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर देखने पर लैपिस लाजुली और चिंतन करूँगा वो, या फिर मैं कोई बुक देख के भी इंसेंट कर सकता हूँ। तो चलो गाइस मैं पहले लैपिस लाजुली और जो लाना पड़ेगा सब चीज़ लाते हैं लाता हूँ, ठीक है ना। 1 hour later तो गाइस मैं यहाँ पर अपना सारा सामान ले आया और चलो इंसेंट करते हैं। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो पिकैक्स है डायमंड की वो इंसेंट करूँगा, और लैपिस लाजुली रखता हूँ। ओह है मैंने डायमंड ले लिया, सॉरी गलती से। तो लैपिस लाजुली यहाँ पर है, और यहाँ पर मैं एक रखता हूँ। उसके बाद तो मुझे एंशिएंट टेबल के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे क्या से क्या एंशिएंट क्या मिलता है, कैसे रखना होता है, तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं। मैंने सिर्फ देखा था कि एंशिएंट टेबल से मैं बना सकता हूँ, एंशिएंट कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा कि डायमंड पिकैक्स में यहाँ पर अनब्रेकिंग 1 या एफिशिएंसी में कन्वर्ट करता हूँ, तो अनब्रेकिंग 1 में ही चलो ठीक है, अच्छा है। देख सकते हैं मेरा एडवांस पर भी हो गया एंचेंटमेंट, तो पहला मेरा असल में हो गया था, लेकिन जैसे बताया मेरा अकाउंट का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, वो थोड़ा अकाउंट पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस क्या मैं अपनी एक ही डायमंड पिकैक्स दोबारा एंचेंट नहीं कर सकता? हाँ तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए गाइस प्लीज़, ठीक है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट कीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर 1 है और नीचे पियर्सिंग 1, मैं सोच रहा मैं एक पियर्सिंग 1 कभी कर लेता हूँ, या उसका क्या काम है मुझे सच में नहीं पता, लेकिन दे रहा है तो कर ही लेता हूँ ना गाइस। ये इंस्ट्रूमेंट का क्या, इस बुक का क्या काम है, अगर आपको पता है तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस बुक का कहाँ क्या काम है, ठीक है ना गाइस। और भी मैं एंचेंट करता हूँ, तो अब मुझे दे रहा है, चलो क्या दे रहा है हमें, अनब्रेकिंग 1 और प्रोजेक्टाइल प्रोडक्शन 1। और इस प्रोजेक्टाइल प्रोडक्शन 1 से क्या होता है मुझे पता नहीं है, तो लेकिन मैं वही करूँगा, ठीक है ना।
तो चलो ये मुझे बेटा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है प्रोडक्शन वन, और मैं बाद में देख लूँगा इससे क्या होता है। कोई नहीं कोई नहीं, और इसके बाद में फिजिक्स सीखूँगा। मेरा अब चाह रहे एफिशिएंसी वन दे रहे हैं और शार्पनेस वन दे रहे हैं, तो मैं सोच रहा मैं शार्पनेस वन में कर ही लेता हूँ। शार्पनेस इम्पोर्टेंट है तो पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब स्वॉर्ड में शार्पनेस 5 लगी हुई है जो बहुत ही अच्छा काम है, तो मैं शार्पनेस वन में ही कर लेता हूँ। ठीक है ना गाइस, शार्पनेस वन चलो करता हूँ। लेकिन एफिशिएंसी वन भी मुझे लेना चाहिए क्या? लो शार्पनेस एफिशिएंसी वन, मुझे एक बार समझ में आ रहा है, दो बार शार्पनेस वन दिखा रहा है, लेकिन एक चाह रहा है लेवल 5 या 4 और एक चाह लेवल 1, समझ में नहीं आ रहा है। दोनों का पावर क्या अलग अलग है क्या? अगर आपको पता है तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे पता नहीं है इसके बारे में क्या करता है। तो मेरे अभी सब बुक्स ख़त्म हो गया और मेरे से तो अभी 2 ही लेवल बचे हैं। ठीक है ना, मैं काम करता हूँ मेरे जो एन्चेंटमेंट बुक्स जो बनाए हैं अभी, और जो इम्पोर्टेंट जो वीपन्स बने हैं, तो मैं सभी संभाल के अभी रख देता हूँ इस चेस्ट के अंदर। ठीक है, तो चलो। आपने देखा अभी तक मैंने कितना एन्चेंट किया, उसके बाद मैंने अभी और 9 कुछ बना लिया, उसके बाद मैं अभी फिर से एन्चेंट करने जा रहा हूँ ऊपर। क्या हर बार अलग अलग दिखाई देता है? मतलब कभी ये कभी एक दिखा रहा है, उसके बाद फिर से चेंज हो जाता है। वन और शार्पनेस वन, मैं काम हुआ तो मैं अपना वो लेके आता हूँ, वो इंचेक करूँगा, बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंचमेंट के लिए। लेकिन मेरा भी लेवल बहुत कम है, तो कहूँगा लेवल जाना पड़ेगा। वो चले जाता हूँ कितना चाहिए इंचमेंट को देख के मैं करूँगा। वेयर इज माई गो गाइस, वेयर इज माई गो? लजुली को क्या चाह रहे, पावर वन दे रहे हैं और ये क्या दे रहे हैं, पावर वन अनब्रेकिंग। चलो अभी तक पावर पावर दे रहा है, तो मैं अपने बो को पावर वन दे चुका हूँ, गलत देख सकते हैं। मेरे लेवल बहुत कम है अभी, अभी कुछ और कितना है कि वही कितना है प्रोटेक्शन वन। कुछ ये दे रहा है अभी यार, चलो पढ़ा लेना, क्या होगा पता नहीं, लेकिन करके रखने से क्या होता है गाइस। चलो अभी तक तो यही सही, ये सब उठा रखता हूँ अभी तक, और मुझे अभी जाना पड़ेगा लेवल सेवन के लिए गाइस। हॉर्स आर्मर मिला था, मैं इसे अपने हॉर्स के ऊपर लगा देता हूँ, सबसे अच्छा होगा ये। हाँ मेरा आर्म, हॉर्स आर्मर,
ये रहा गाइस, मैं गोल्ड फार्मर अपने हॉर्स के ऊपर लगा देता हूँ ताकि उसे अच्छा दिखे। और ये यहाँ पर, ओ भाई साहब कितना मस्त दिख रहा है यार, लिटरली यार कितना ओके तरीके से दिख रहा है यार भाई साहब। बस मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना आर्मर ही बना लेता हूँ, अभी तक जो टाइम मिला है मुझे, मैं काम पर टाइमर पर यहाँ नहीं है, यहाँ पर है टाइमर, डायमंड यहाँ पर है, ये जो डायमंड मिला है यार, अगर मैं इसे आग में बदल लेता हूँ तो कुछ अच्छा। पहले चेस्ट बन गया मुझे 15 भाई, लेगिंग्स हेलमेट में चाहिए, बूट्स के लिए क्या 3 काफी रहेंगे, 4 शायद, 4 हो गया मेरे को, और एक चाहिए थी, क्या बनाऊँ मैं, तब तक हेलमेट बंद बनाता हूँ, बूट बना लेता हूँ करने के बाद भी मेरे 4 बच रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ ये 4 मैं अभी संभाल कर देता हूँ, 4 डायमंड एडवांस ला गया कवर डायमंड का, अभी तक मैंने ये मैं काम करता हूँ, मेरा जो प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन है ना ये अपने चेस्ट स्टेट में लगा देता हूँ, और लगाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एनविल में, और ये रहा पर, और ये यहाँ पर ये बन गया मेरे को, देखो मुझे एक ही चाय ले रहा है मुझसे, मेरा और मेरा सब खत्म हो गया एक्सपी बार, तो मैं काम करता हूँ, मेरी रात हो रही है तो जो वगैरह आएंगे मैं उनको थोड़ा मार के आता हूँ, चलो मैं उनको ही मारता हूँ या फिर वो ही मुझे मारते हैं पता नहीं। 1 hour later. ये लोग आर्मी देते हैं यार, तो मेरा भी एक लेवल हो गया, चलो देखता हूँ मैं अपना ये एंशेंट कर पाता हूँ या कि नहीं, दे रहे हैं प्रोजेक्टल प्रोडक्शन ही दे रहे हैं, और यहाँ पर प्रोडक्शन 181 चलो अभी तक तो यही लूँगा, प्रोजेक्टल प्रोडक्शन मैंने देखा कि ये मुझे इससे मतलब जो घास वगैरह एरो वगैरह से थोड़ा प्रोटेक्शन देता है, गाइस मेरा ये लुक आपको कैसे पसंद लगा वो कमेंट कीजिए। 1 hour later तो हेलो गाइस, तो मैंने
कुछ देर समय के लिए रिकॉर्ड रोक के रखा था और उसके बाद मैंने बहुत कुछ काम किया और वो काम मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और आर यू रेडी गाइस? क्या आप रेडी हो गाइस? तो दिस इज माय एंचेंटेड आर्मर गाइस, देख सकते हो कि मैंने अपना फुल एंचेंटेड आर्मर कर दिया और मेरे पास डायमंड की थोड़ी कमी की वजह से मैं अपना डायमंड का हेलमेट नहीं बना पाया, उसके लिए मैं गोल्ड का हेलमेट बना पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखो गाइस, मेरे गोल्ड के गोल्ड हेलमेट में एक्सप्रेशन वन मैंने लगाया हुआ है और लगा प्रोटेक्शन वन और इसमें प्रोटेक्शन वन और बूट लगा प्रोटेक्शन वन और मेरे पिकैक्स में मैंने लगा अनब्रेकिंग वन और डायमंड में स्वॉर्ड में पता ही है शार्पनेस 5। और गाइस देख सकते हो कितना ओपी तरीके का लुक दे रहा है। तो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए यार, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फुल एंचेंटमेंट आर्मर मैंने बना लिया है लेकिन मुझे तो एक डायमंड मुझे माइंड कर लेके लाना पड़ेगा और मुझे एंचेंटमेंट करना पड़ेगा। मुझे एक डायमंड मुझे चाहिए ही चाहिए हेलमेट बनाने के लिए, तो मैं लाऊँगा जैसे भी करके, मैं वो ऑफलाइन लेके करूँगा क्योंकि वो बहुत बोरिंग काम होता है, आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो वीडियो कमेंट कीजिए और बहुत और एक बात, मैं जो एक्सपी मैं अपने एनिमल को मार के लिया है उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा प्लान है मैं एक्सपी फॉर्म बनाऊंगा, मैं बनाना ही पड़ेगा इस बहुत एक्सपी का बहुत ही ज़रूरत पड़ रहा है, बताइए एंचेंटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाद में बहुत ज़्यादा एंचेंटमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो और एक बात चलो आपको दिखाता हूँ, मैंने पर में गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पर थोड़ा बुक शेल्फ लगाया है क्योंकि दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन ये बुक शेल्फ का काम क्या है मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है गाइस प्लीज कमेंट कीजिए। मैंने देखा है कि लोग बुक शेल्फ लगाते हैं एंचेंट टेबल के आर पर, लेकिन क्यों लगाते हैं मुझे मालूम नहीं है, अगर गाइस आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, मुझे जानने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। और मैंने देखा कि जब भी मैं लगाया तभी उसका एंचेंटमेंट जो देता है ना वो बहुत अच्छा अच्छा दे रहा है, पहले मुझे अनब्रेकिंग वन नॉक बैक टू और थोड़ा बहुत वन दे रहा था लेकिन अच्छा लगे रेस्पिरेशन वन दे दिया और रेस्पिरेशन वन में शायद जितना पता है कि मैं पानी के अंदर सांस ले सकता हूँ पता है लेकिन सीओ नहीं हो। चलो मेरे पास और एक बुक है उसे भी एंचेंटमेंट कर ही देता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। क्या क्या दे रहा है शार्पनेस वन भाई और कुछ नहीं दे रहा, अरे ये गजब बात हो गई क्यों, अरे भाई साहब एक ही चीज़ दे रहा है यार, क्या मैंने आर एन के ऊपर एंचेंटमेंट कर सकता हूँ? हाँ भाई कर सकता हूँ यार, ये तो पता नहीं था आर एन के ऊपर भी एंचेंट कर सकता हूँ, चलो कर ही लिया तो वो क्या जाए। और मैं सोच रहा हूँ मेरे अगर मेरे पास तो तीन एंटरटेनमेंट बुक पड़ी हुई है और इसमें शार्पनेस वन में नहीं लगाना चाहता हूँ, तीन शार्पनेस वन मेरे पास है एक तो मैं ये बाद में देखूँगा, मेरे पास दो पावर वन है गाइस। और एक बात आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्या मैं एक ही एंटरटेनमेंट दो बार नहीं कर सकता, अगर मैं ये दो यहाँ रखूँ उसके बाद ये रखूँ तो मैं कुछ नहीं आ रहा तो मैं फिर नहीं कर सकता क्या, वो आप गाइस प्लीज कमेंट कीजिए। तो ओ भाई चेंज हो गया अचानक, अरे भाई क्या है मेरा प्रोटेक्शन वन, मेरे प्रोटेक्शन वन है पी एच सी वन और पावर वन, तो मैं सोच रहा हूँ पी एच सी वन मेरे पास है, चलो थोड़ा देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या है। सर मेरे पास एक प्रोटेक्शन वन पी एच सी वन और शार्पनेस वन, तो मैं ये पावर पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, सोच रहा हूँ कि कर ही लूँ, प्रोटेक्शन वन है तो पावर वन, देखिए पीएससी वन का क्या काम होता है मुझे पता नहीं, तो गाइस आप थोड़ा रुकिए मैं थोड़ा देखता हूँ कि पीएससी का काम क्या है। One hour later. तो गाइस मैंने अभी भी देखा कि पीएससी वन अपने क्रॉस बो या बो में लगा सकता हूँ, तो सोच रहा हूँ कि मैं पीएससी वन ही मैं ले लेता हूँ या फिर पावर वन भी ले कर रख सकता हूँ, उसका पावर अच्छा हो जाता है क्या। पावर मेरे पास पी एस सी वन है तो मैं काम करता हूँ ये पी एस सी वन अपने बो में पहले लगा देता हूँ, हो गया मेरा पी एल सी वन या रहा, तो अगर मैं ये वो में लगता है क्या, तो ये रहा पी एल सी वन, क्या हुआ अचानक क्यों नहीं हुआ यार, ये तो अच्छी बात नहीं है यार,
लगना चाहिए चाहिए था। मैं तो दो तीन एंचेंटमेंट ऐसा नहीं कर सकता क्या? अगर प्रोटेक्शन हो रहा है तो अगर या मैं इसकी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। हाँ हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ, तब क्यों नहीं हुआ इस समझ में नहीं आ रहा। मैं आयरन नहीं करूँगा अभी बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस कमेंट कीजिए क्यों PSC1 का नहीं हो रहा है। गाइस वहाँ लिखा था क्रॉसबो में, तो क्या मैं क्रॉसबो में कर सकता हूँ? अरे मुझे क्रॉसबो बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं है। चलो पहले देखता हूँ करो। तो इसमें चाहिए ये क्या चाहिए, ट्रिप वायर हुक, ये सब सामान तो मेरे पास है, लेकिन ट्रिप वायर हुक के लिए कैसे पता नहीं मेरे को। ट्रिप वायर हुक यहाँ, ओ भाई जी है यार। तो मैं चलो मैं क्रॉस को ही बना लेता हूँ। ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत सामान चाहिए। मैं जब तक गोल्डन स्वॉर्ड है इसे मैं मेंशन कर सकता हूँ, तो बाद में करूँगा। आयरन आयरन मेरा आयरन कर गया। कहाँ चला जाता पता नहीं यार। चलो पाँच पाँच हो जाना चाहिए। और लकड़ी और स्टिक्स चाहिए जो मेरे पास है। स्टिक ये मेरे पास लकड़ी को है और स्टिक्स भी होना चाहिए मेरे पास एक्स्ट्रा, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तो स्टिक थोड़ा बना ही लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर चलो 12 स्टिक्स मेरे पास आ जाएंगे, अभी 12 से कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ट्रिपर हो बनाता हूँ मुझे। और मुझे चाहिए थी क्रॉस बो, क्रॉस बो बन जाएगा। देख सकते हो गाइस मेरा स्ट्रॉन्ग है, बन गया मेरा क्रॉस बो। अब क्या मैं अपनी PSC1 को क्रॉस बो मिला कर सकता हूँ? चलो मैं देखता हूँ ऊपर जाके। मैं यहाँ पर आ गया और इसके अंदर रखा मैं अपना क्रॉस बो और PSC1। ओ गाइस हो गया मेरा क्रॉस भी, मैं इंचेंट कर लिया गाइस। तो मैं गाइस आज बहुत कुछ इंचेंट कर लिया। हाँ मेरा गोल्डन स्वॉर्ड भी मैं इंचेंट कर ही लेता हूँ, तो प्रोटेक्शन 1 नहीं चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर जाके गोल्डन स्वॉर्ड रखूँ और मेरे पास सिलेक्टिव लकड़ी भी है, क्या दे रहा है मेरे को फायर ओपे फायर एस्पेक्ट दे रहा है यार, मुझे चाहिए भाई। बहुत अच्छी चीज़ है यार शार्पनेस 2। अरे इतनी अच्छी तो मेरे डायमंड स्वॉर्ड में नहीं दी और यहाँ पर दे रहा है। अगर क्या मैं काम करता हूँ, मैं डायमंड स्वॉर्ड एक और बनाता हूँ, मुझे वो शार्पनेस 1 चाहिए, शार्पनेस फायर स्पेक्ट से जो भी हो जाए। मैं डायमंड बना ही लेता एक स्वॉर्ड, मेरे पास टिप्स है एक जो मेरा डायमंड की, पता है डायमंड की बहुत कमी है लेकिन मुझे चाहिए गाइस। मुझे ये शार्पनेस फायर एस्पेक्ट चाहिए, मुझे चाहिए। चलो देखता हूँ गाइस दे दे यार शार्पनेस 1 स्माइट 1, अभी नहीं दे रहा यार स्माइट 1 से क्या होता है यार। ये तो अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है यार। गोल्डन स्वॉर्ड में दे रहा, डायमंड स्वॉर्ड में नहीं दे रहा। मुझे फायर एस्पेक्ट चाहिए यार, तो फायर एस्पेक्ट बहुत ओपी वाला इंटरनेट है। यहाँ पता है मुझे फायर एस्पेक्ट 1 दे रहा है यार, क्या करूँ। लेकिन फायर एस्पेक्ट लेना होगा, जैसे करके मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं भी जाता हूँ, मैं अपने एनिमल्स को फिर से मारूँगा। और आज हो गई है मतलब सुबह, पहले सुबह करता हूँ। अरे यार मुझे डायमंड फोन में चाहिए था, लेकिन ये गोल्ड फोन में दे रहा है। गोल्ड तो भाई बहुत बेकार है, कुछ बता रहा हूँ यार, कुछ पावर नहीं होता है गोल्ड फोन के अंदर। तो पहले अपना आयरन तो बनाइए मेरे पास यहाँ पर, इससे ही काम चल जाएगा मेरा। एक यही मारा यार,
अपने क्रॉस को तुम्हारे थोड़ा टेस्ट करता हूँ। तेरा भाई डर क्यों रहा है? भाई वहां पर ब्लास्ट मत है यार, लगा लगा यार क्या हो रहा है यार, एक भी ठीक से नहीं हो रहा। आजा चलो मैं क्रॉस दोस्तों से मारने की कोशिश करता हूँ। ओ भाई साहब बहुत दूर है मेरे बुकली पर, मैं अपने क्रॉस में से एक को तो मारना चाहता हूँ गाइस। चलो मेरे को राइस भी मिल गया और गन पाउडर भी मिल गई, कोई नहीं और काम करते हैं। मेरे जो मेरे साइज के ले आया था वो नहीं ले आया क्या? एक वंडरिंग चढ़ रहा है मेरे घर पे। अब तो मरना पड़ गया कि मुझे लीड चाहिए और लीड मुझे क्या इस भी कह रहे हैं वो खरीद मेरे पास एक भी एमरल्ड ले यार, ये एमरल्ड के बदले क्या बेकार सारी चीज दे रहा यार, ये येलो डाई वाइट ट्यूलिप कितनी बेकार ट्रेड है यार, तुझे तो मैं मारूंगा वो जो कि पीछे मुझे लीड मिलेगा, लीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइस मैं आ गया यहाँ पर और मैंने रखा गोल्डन स्वॉर्ड और मैं अभी रखूँगा मेरे नेपेज लजूली मुझे फायर फिर लग गया यार, मुझे फायर फिर जरूरत है, बहुत काम का चीज़ है पता है। मेरे गोल्डन स्वॉर्ड में कोई काम का चीज़ नहीं है पता है, लेकिन फायर फिर बहुत ही काम का चीज़ है। लेकिन चलो मैं इससे पर कोशिश करता हूँ फायर फिर से क्या मैं इस डेमो सेट में क्या दे रहे हैं अभी, वो सेम चीज़ के साथ में सोने और साथ में तो दोनों साथ में सोने, वाह भाई वाह। चलो देखो साथ में सोने करवा लेता हूँ क्या, तो अभी तो मैं एक बुक में देखता हूँ बुक में क्या दे रहा है। प्रोटेक्शन वन और एफिशिएंसी वन, प्रोटेक्शन वन तो मैं एफिशिएंसी वन करूँगा कोई बात नहीं, एफिशिएंसी वन करूँगा ईजीली हो जाएगा। अभी मेरे पास 3 लेवल है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास मैं बुक करवा लेता हूँ और जब और बुक बना पाऊँगा
डैगर भी मेरे पास है नीचे, और शुगर के मेरे 6 है। शायद मैं एक और भी बना पाऊँ। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। यहाँ पर जाके अरे लेदर, ओ सर लेदर मेरे पास है यार। क्या यार, मैं अपना शुगर केन 1, 2, 3 मेरे पास 6 आ गए, और यहाँ पर 1, 2, 3 1, 2, 3 और इसके बाद मैं शायद यहाँ पर 1 लेदर 1 2 तो मेरे और 2 बुक आ जाएंगे। चलो देखते हैं इस बुक में क्या इंक्रीमेंट देता है। अगर अच्छा कुछ किया तो मैं करवा लूँगा, अगर नहीं देता तो बाद में। तो नहीं, पहले मैं 1 रखता हूँ। क्या है? स्वीपिंग एज 1, पावर 1, प्रोटेक्शन 1। स्वीपिंग एज से क्या आता है मुझे पता नहीं है, आपको पता है गाइस कमेंट कीजिए या मैं देखता हूँ अभी। और इससे क्या रहता है, सेम क्या? ओ भाई सेम 1, पावर 1 और प्रोटेक्शन 1। मैं अभी एकदम नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। और मैं सोच रहा वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और वीडियो को मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो को पसंद आए, एक सेकेंड, ना पसंद आया का मतलब, अरे आना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा अच्छा मैंने इस वीडियो को बनाया, लेकिन वीडियो को आपको क्या करना है, वो लाइक वाला बटन आपको दबा देना है, और चैनल पे आकर आपको मेंबर बनना है, सब्सक्राइब करना है, और जो घंटी दिखता है दबा दो, अच्छे से दबा दो। तो गाइस आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर आप और वीडियो कर रहे हैं लाइक, चैनल पर चैनल पर नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।